जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपके अपने परिवार कॉम प्लस के अंदर। जैसा कि बेटा आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि जो हरियाणा के अंदर 4000 से अधिक जो एनटीटी शिक्षक भर्ती निकली हुई है उसका बेटा बिग अपडेट, और बता देना चाहता हूं कि इस एनटीटी भर्ती में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं बेटा। तो बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है बेटा एज का। पहले भी बता चुका हूं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एज का चल रहा है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 40 कर दी गई है बेटा। तो ध्यान देना, ये मुद्दा सोल आउट बहुत जल्द हो जाएगा, यानी कि एज बढ़ाई जाएगी। जो हरियाणा का जो एज का जो करेक्ट दायरा होता है वही बेटा दायरा आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा बदलाव तो बेटा आपको ये देखने को मिलेगा, तो अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद सेकंड बात करूंगा कि इस भर्ती के अंदर यानी कि मेल को इग्नोर कर दिया गया है, ओनली यानी कि फीमेल ही एलिजिबल रहेंगी। तो ये भी बेटा एक बदलाव हो सकता है कि मेल को भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाए। उसके बाद बेटा अभी तक फीस का कोई जिक्र नहीं हुआ है, फीस के अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी एससी बीसी या फीमेल के लिए क्या फीस रखी जाएगी बेटा, ये सारे बदलाव अभी होने हैं। यानी अभी तो सिर्फ इतना हुआ है कि वैकेंसी बेटा निकाली गई है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऐसी न्यूज जानना चाहते हो तो बेटा, अगर कोई चैनल पर नहीं है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा आपके अपने चैनल कॉम प्लस के साथ। और अगर कोई नए हैं तो बेटा जुड़िएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।